ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने आईसीसी वनडे रैंकिंग को झकझोर दिया है। नंबर एक और नंबर दो पर चल रहे एबी डिविलियर्स और विराट कोहली को उन्होंने पछाड़ दिया है। वार्नर ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में बेहतरीन खेल दिखाया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की 4-1 से जीत में 367 रन बनाए। 5 मैचों में वार्नर ने 7, 16, 35, 130 और 179 रन की पारी खेली और 179 रन की पारी के दौरान वार्नर का शतक 78 गेंदों में आया। इन दो शतकों के साथ वार्नर के नाम पिछले 11 वनडे में 6 शतक हो गए हैं। अब वो डिविलियर्स से 19 अंक आगे हैं, जो अब तक नंबर 1 थे। कोहली से उन्होंने 28 अंकों की बढ़त ले ली है। वार्नर के 880 अंक हैं। भारतीय नजरिए से विराट अगर नीचे गए हैं तो महेंद्र सिंह धोनी एक स्थान ऊपर चढ़कर 13वें नंबर पर आ गए हैं। रोहित शर्मा 3 स्थान फिसल कर 12वें नंबर पर हैं। शिखर धवन संयुक्त रूप से जॉस बटलर के साथ 14वें स्थान पर हैं। गेंदबाजों के मामले में कोई भारतीय टॉप 10 में नहीं है। अक्षर पटेल 12वें नंबर पर है, वो भी 3 स्थान फिसले हैं। उनके बाद 14वें नंबर पर अमित मिश्रा हैं। आर अश्विन 19वें नंबर पर हैं। भारतीय टीम 3रे नंबर पर बरकरार है। ऑस्ट्रेलिया पहले और दक्षिण अफ्रीका दूसरे स्थान पर है। भारत के खिलाफ सीरीज में 3 अर्धशतक जमाने वाले इंग्लैंड के बल्लेबाज जेसन रॉय टॉप 20 में आ गए हैं। वो 17वें नंबर पर हैं। वनडे सीरीज में भारत के लिए बेहतरीन खेल दिखाने वाले केदार जाधव ने 57 स्थान की छलांग लगाकर 47वां नंबर पाया है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।